जब मेरे को जयराम जी ने बताया कि नागर साहब देखो ऐप ऐसे बनाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में आज की डिमांड इसके लिए बहुत तेज है। तो मैंने निवेदन किया उनसे, मैंने कहा सर जरा सा मुझे बताएं। तो उनका एक प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने मेरे को 10 से 15 मिनट बताया। रात को लगभग 11 से 12 बज रही होगी जब हम दिन भर की चीजों को डिस्कस करते थे साथ बैठकर। तो वापस मैं मेरे रूम में गया, रूम में जाने के बाद फिर मैंने उसको मैंने ब्रीफ किया, देखा जांचा, और लगभग 1 बजे तक मैंने एक उसके एप्लीकेशन डेवलप करके और सर को उठाया। उठाने के बाद मैंने कहा सर प्लीज एक बार देखे चेक कीजिएगा। नमस्कार साथियों, डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रहलाद जी नागर, जिन्होंने विषय अध्यापन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शिक्षण को तो प्रभावी बनाया ही है, साथ में शिक्षा विभाग में भी मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेबसाइट के कारण अपनी एक नई पहचान बनाई है। वर्तमान समय में इनकी एक पॉपुलर एप्लीकेशन जो कि मिशन 100 राजस्थान है। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में कि कैसे नागर जी गणित और राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक होते हुए टेक्नोलॉजी में अपनी दिलचस्पी बनाई है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? फाइन सर, नमस्ते। तो सर सबसे पहले हम अपने साथियों से आपका परिचय करवा देते हैं और उसके लिए हम आपको ही आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर। प्रहलाद नागर, मैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करावन, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान से। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से सफर शुरू हुआ था, क्योंकि हमने आपके बारे में पढ़ा है, आप गणित विषय के अध्यापक रहे हैं, फिर राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आपकी जर्नी किस तरीके से शुरू हुई, वो शुरुआत से लेके अब तक का जो सफर है वो ब्रीफ में हम जानना चाहेंगे। सर बेसिकली मैंने बीएससी बीएड किया है और 71 का मेरा बर्थ है, 91 फरवरी का मेरा फर्स्ट जॉइनिंग इन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल डग है। उस अंतराल में लगभग 5-6 साल बाद जब इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत ही हो रही थी कंप्यूटर फील्ड की, तब हमारा एक स्कूल चला करता है, उस स्कूल में एक संस्कृत के पेपर को लेकर मेरे सामने एक इशू आया था। जो हम किसी दूसरे के पास बनाया करते थे तो उन्होंने मुझे संस्कृत का पेपर बनाने के लिए मना कर दिया था। तो उस टाइम तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, आपके लिए एग्जाम था, मैंने कैसे भी करके इसको आप मैनेज कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है आपको ये परेशानी नहीं आएगी। और वह दिन था मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग कि मुझे संस्कृत का पेपर विद इन 3 मंथ कंप्लीट करके बनाना था। और उस दिन से मैंने शुरुआत की मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आने की, और वही एक मेरे लिए चैलेंज था। और 2000 में मैंने ये काम करके और सीख के और उस पेपर को बना के और दिखाया था। तो ये मेरा स्टार्टिंग था इस जॉब से जुड़ने का, इस कंप्यूटर फील्ड से जुड़ने का। तो मतलब एक चैलेंज आया और उस चैलेंज को पॉजिटिवली लिया, फिर उसके लिए खुद को तैयार करते हुए आपकी जर्नी जो है वो शुरू हुई। तो कंप्यूटर के साथ आपने टाइपिंग से शुरू किया? मतलब नहीं सर, टाइपिंग से मैं कम मायने रखता हूँ क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही जो टाइपिंग अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। मैंने सब, हाँ ये जरूर है कि मैंने उसको टाइपिंग फ्रेंडली बनाते हुए उस चीज को सीखा। सबसे पहले मैंने उस समय जब हमारे यहाँ से, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरा पोस्टिंग मिश्रोली सीनियर सेकेंडरी में था और कंप्यूटर सीखने के इंस्टीट्यूट भवानी मंडी में थे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था। तो मैंने उन इंस्टीट्यूट पर जाकर भी बात की, उनसे बात करने के बाद उनको एक इस ढंग से मैनेज किया कि मुझे आप अकेले को 3-4 घंटे 5 घंटे जितना भी आपको पढ़ाना है एक दिन में आप पढ़ाएंगे और उसके बाद मैं आपके इसको स्टडी करूंगा, मेरे को जो प्रॉब्लम हो जो पूछूंगा। तो एक टीचर होता था जो मेरे को 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए 5-7 दिन का एक साथ पढ़ा दिया करता था, और उसकी मैं घंटों इवन देन कि मैंने इसको 12-12 घंटे तक बेहतर उसके मैंने इस पर एक्सरसाइज किया और आज मुझे उसका परिणाम बहुत अच्छे से मिला। तो वो तो दिख रहा है सर, क्योंकि हम आपकी प्रोफाइल जब देख रहे थे तो हमने देखा कि आपने 14+ से एप्लीकेशन डेवलप किए हैं, और यही नहीं इसके साथ में आपने कई सारी वेबसाइट भी डेवलप किए हैं, और कुछ एप्लीकेशन और वेबसाइट अभी भी प्रोग्रेस में चल रही है।
तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन बनाने की जो शुरुआत हुई थी उसकी नीड कैसे आपको लगी कि मेरे को मोबाइल एप्लीकेशन बनानी चाहिए। फरवरी 2019 में RIE अजमेर में नॉर्थ इंडिया के हमारे नौ स्टेट के लगभग 40 से 50 प्रतिभागी इंडिया लेवल के वहाँ पे हमारी ICT की ट्रेनिंग थी। उसमें हमारे एक साथी हैं जिनका नाम जयराम जी है, जिन्हें हम ऐप गुरु मानते हैं और वही हमारे ऐप गुरु हैं, उन्हीं की देन थी। उन्होंने हमें इस प्रकार की, जब हम राजस्थान की टीम में हम 5 सदस्य, सोडी साहब हैं हमारे साथी हैं, एक सिरोही से हमारे SP सर हैं और एक मैं था, और ऐसे ही पूरी टीम थी हमारे 5 सदस्य की। उसमें से जब मेरे को जयराम जी ने बताया कि नागर साहब देखो ऐप ऐसे बनाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में आज की डिमांड इसके लिए बहुत तेज है। तो मैंने निवेदन किया उनसे, मैंने कहा सर जरा सा मुझे बताएं। तो उनका एक प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने मेरे को 10 से 15 मिनट बताया। रात को लगभग 11 से 12 बज रही होगी जब हम दिन भर की चीजों को डिस्कस करते थे साथ बैठकर। तो वापस मैं मेरे रूम में गया, रूम में जाने के बाद फिर मैंने उसको डिस्कस, उसको मैंने ब्रीफ किया, देखा, जांचा, और लगभग 1 बजे तक मैंने एक नया उसके एप्लीकेशन डेवलप करके और सर को उठाया। उठाने के बाद मैंने कहा सर प्लीज एक बार देखे चेक कीजिएगा। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि यार जितना मैंने बताया उससे अच्छा आपने करके दिखाया, बहुत अच्छा है, मुझे विश्वास है आप ऐप बना लोगे। तो उस दिन से मेरे को ऐप की शुरुआत हुई और हमारे ऐप गुरु ने हमें इस बात के लिए काफी बीच बीच में मेरे को काफी मोटिवेट किया, और बीच बीच में जैसे मेरे को आवश्यकता लगी तो मार्गदर्शन भी दिया। लेकिन सर शिक्षक का काम तो सिखाने का होता है, लेकिन आप हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में भी रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। जी, यदि मुझे किसी भी मायने में सीखने का अवसर मिला तो मैं उसमें चुका नहीं। ये एक, ये ही नहीं, इसके बाद अभी जो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, हमारे सर हैं जिनका नाम सुरेंद्र सिंह जी गौड़ सर हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था, जिन्होंने मेरे 2 ऐप लॉन्च किए हैं, CDO सीकर एक, उनका उनके लिए ही मैंने बनाया था क्योंकि वो CDO साहब थे सीकर में, और उसकी लॉन्चिंग जैसा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं डोटासरा साहब, उन्होंने उसकी लॉन्चिंग की थी CDO सीकर की। और उसके बाद फिर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप बनाया जो बालकों के बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए है, 10वीं 12वीं के बालकों के लिए बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड। चूंकि एग्जाम का टाइम था और सर ने मुझे एक चीज बताई थी कि परीक्षा में उपयोग के लिए, बालकों के उपयोग में आए ऐसी कोई चीज बनाओ ताकि सब बच्चों को फायदा मिले। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने मिशन 100 राजस्थान के नाम से एक ऐप बनाया, जिसकी लॉन्चिंग का सौभाग्य भी मुझे सीकर में CDO साहब प्लस उनके DO एलिमेंट्री सेकेंडरी प्लस वहाँ के जो 9 ब्लॉक हैं सारे वहाँ के सारे DOs थे और प्लस वहाँ का एक स्टाफ था, लगभग पूरी एजुकेशन की हायर लेवल की जो टीम थी उनके सामने इस ऐप का इनोग्रेशन हुआ। और वह ऐप आज राजस्थान में लगभग 4 से 5 हजार बालकों के लिए 10th और 12th में बहुत अच्छे से काम आ रहा है, जिसके अंदर बहुत सी चीजें मैंने समाहित की हुई है, बिखरे हुए प्लेटफॉर्म से एक जगह लाकर मैंने उसको इकट्ठा किया है। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में सर कोई भी एक्सेस कर सकता है इस एप्लीकेशन को? जी, ये प्ले स्टोर पे बिल्कुल निःशुल्क है, जिसको कोई भी साथी, कोई भी बालक, कोई भी स्टाफ टीचर इसको भी एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और इस ऐप की जो सबसे बड़ी चीज है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, मिशन शेखावटी सीकर और भिंडर उदयपुर प्लस जयपुर और हमारे झालावाड़ के जो विषय विशेषज्ञों के द्वारा, जो पूरी टीमों के द्वारा जो मटेरियल तैयार किया जाता है, ये मटेरियल इसके ऊपर मैं अपलोड करता हूँ। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के जो विशेष प्रायोजन है, जैसे ई कक्षा कंटेंट्स, इसके अंदर मैं टाइम टाइम पर डालता रहता हूँ। और इसके साथ हमारी राजस्थान सरकार ने एक बहुत, हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका नाम स्माइल है, स्माइल प्रोजेक्ट है। उस स्माइल प्रोजेक्ट को क्लास वाइज, टीचर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फैकल्टी वाइज बाइफरकेट करके मैंने इसके ऊपर सेक्शन के हिसाब से डाल रखा है, ताकि बालकों को वो सदैव मिलता रहे और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सके। जी सर, तो ये सर एप्लीकेशन जो बनाई है आपने मिशन 100, तो ये मिशन 100 का नाम क्यों रखा है इसका? सर हमारे CDO साहब का एक टारगेट था कि क्यों नहीं हमारा बच्चा 100% से नीचे नहीं है, तो सर ने, हमने इसको डिसाइड किया था मिशन 100। तो हमारा एक टारगेट था कि हर बालक का एक अचीवमेंट होना चाहिए कि 100% पार करे, पर राजस्थान इसलिए रखने में आया क्योंकि ये मेरे राजस्थान की बात है, और चूंकि मैं राजस्थान का निवासी और राजस्थान बोर्ड के बच्चों को फायदा मिलना है
तो मेरे राजस्थान का हर बालक इसका उपयोग करे और ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग में ले सके। तो एक तरीके से आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है जिसपे विषय का कंटेंट जो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है वो भी वहाँ उपलब्ध है, और उसी के साथ में जो बोर्ड की परीक्षाएं आज तक हुई हैं उनके प्रश्न पत्र किस तरीके के हैं, जो 100% मार्क्स बच्चे ला रहे हैं उन्होंने किस तरीके से उन सवालों के जवाब दिए हैं, वो भी बच्चे उसको आसानी से देख सके और समझ सके कि किस तरीके से एक सवाल का जवाब लिखा जा सकता है और किस तरीके से अभिव्यक्ति रखी जा सकती है। इसमें पुराने पेपर्स के साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें कि कोई भी बालक के अपने जो लिखने की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए जिससे कि उसको परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके। तो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक व्यवस्था की हुई है कि जो पुराने मेरिटियस वाले बालक है जो मेरिट में आए हुए हैं उन बालकों की कॉपियों को भी मैंने इसमें अपलोड कर रखा है ताकि कोई भी बालक उसको देख सके। बैक के पेपर है प्लस बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर, जैसे इस बार कोरोना काल की वजह से हमारे राजस्थान सरकार ने बोर्ड ने पेपरों को छोटे रूप में किया है, उनका सिलेबस को चेंज किया है, तो उसके हिसाब से जो बोर्ड ने उसके मॉडल पेपर बनाए हैं उन पेपर का भी समावेश इसमें किया हुआ है। हमारे जो विषय विशेषज्ञों ने भी जो पेपर बनाए हैं परिवर्तित मॉडल के हिसाब से, परिवर्तित सिलेबस के हिसाब से, वो भी मैंने इसके अंदर समाहित किए हुए, प्लस PDF के रूप में, वीडियो के रूप में बुक्स भी इसके अंदर डाली हुई है। तो मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें उपलब्ध हैं, आपको नए बाजार से कोई किताब लेके आना है अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सारी चीजें एक ही साथ एक्सेस कर सकते हैं, एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो सर 14+ ऐप बनाई हैं, उनमें से बच्चों के लिए एक तो ये हो गया मिशन 100, इसके अलावा और कोई ऐप है जो बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है? जी सर, एक इसमें शिवदागर समाज के नाम से भी एक ऐप है, वो भी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेने वाले बालकों के लिए उसमें एक कंटेंट डाल रखे, जैसे कोई बच्चा STC देता है, कोई LDC के एग्जाम देता है, कोई RPSC देता है, कोई RTS देता है, कोई RS देता है या हायर इसमें एग्जाम देता है, तो कुछ कंटेंट या कुछ ऐसे नोट्स हैं जिनको मैंने सेक्शन वाइज करके उसके अंदर डाल रखा है। उसमें बालक प्रतिदिन उसको देखकर अपने स्टडी को जारी रख सकता है और अपना नॉलेज बढ़ा सकता है। जी सर बिल्कुल। तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी का पूरा माहौल आपने लिया है अपने हाथ में, इससे आपका काम आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? नहीं, मुझे इस काम को करते हुए मुझे नहीं लगता मेरा काम तो कठिन हुआ है, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आता है इस बात के लिए। समय की जरूर मेरे पास समस्या रहती है तो उसमें मैं समय निकालता हूँ कम सोना, समय निकाल के इस प्रकार के कार्य करना, और उसका फायदा चूंकि सबको मिलता है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जरा सी परेशानी से यदि सबका भला होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि इससे मेरे को परेशानी नहीं, मुझे बहुत आसानी से इस काम को करने की प्रेरणा मिलती है। तो सर आप पहले गणित विषय का अध्यापन करवा रहे थे, फिर राजनीति का अध्यापन करवा रहे हैं, तो गणित और राजनीति के जो विद्यार्थी हैं उनको आपकी टेक्नोलॉजी का कैसे मदद मिलता है? मैथमेटिक्स वैसे मेरे हिसाब से बहुत आसान सब्जेक्ट है यदि बालक प्रैक्टिस करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, तो इस हिसाब से यदि प्रैक्टिस की बात करें तो इसके अंदर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाले हुए हैं ताकि वो बालक कठिन चीजों को आसानी से सीख सके, उसको उसमें डिफिकल्टीज नहीं हो। राजनीति विज्ञान में भी हमने इसमें शॉर्ट मेथड के हिसाब से सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं और उन क्वेश्चन को वो बारीकियों से बहुवैकल्पिक लघुतरात्मक, फिर उसके बाद अति लघुतरात्मक या फिर डीपली, इस प्रकार के क्वेश्चन का उसमें समावेश किया हुआ है ताकि वो राजनीति विज्ञान हो चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो वो आसानी से उसको समझ सके। हाँ लेकिन सर एक चीज और भी समझ में आती है बच्चों के साथ बातचीत करते हैं या मिलते हैं, तो हमारे जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं या जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी जो तकनीकी कौशल है वो इतना प्रभावी विद्यालय में नहीं विकसित हो पाता है, तो उसके लिए आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं? मेरे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बात नई नहीं है। हमारे झालावाड़ में एक इसी से हमारी इसकी शुरुआत हुई थी 2013-14 में,
माननीय कलेक्टर साहब थे विष्णु चरण मल्लिक सर, उनकी उपस्थिति में जयपुर के एक मोहिनी फाउंडेशन है उनका एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट उत्कर्ष। माननीय कलेक्टर साहब ने उसको यहाँ पर लागू करने के लिए उन लोगों को इन्वाइट किया था, और उसके बाद हमारे सीडीओ साहब सुरेंद्र सिंह जी गोड साहब उस टाइम डीओ थे, जो आज सौभाग्य से हमारे सीडीओ भी हैं और मेरे बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब चीजें मैं कर पाया हूँ और नेशनल लेवल तक मुझे जाने का अवसर मिला है, और ये आप ही सभी लोगों की प्रेरणा है। तो विष्णु सर ने एक प्रोजेक्ट जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मेरे झालावाड़ जिले के जो आईसीटी वाले स्कूल है उसमें 9th और 10th के बालक ऑनलाइन स्टडी, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ना, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ना, टीवी के माध्यम से पढ़ना, जहां पर प्रोजेक्टर था वहां प्रोजेक्टर के माध्यम से, जहां पे सेकंड और थर्ड पेज में टीवी था वहां पे टीवी के माध्यम से, और फोर्थ पेज में भी हमारे मॉनिटर्स की जगह टीवी आए, पहले प्रोजेक्टर आया करते थे, उसमें टीवियों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की शिक्षा करते थे। तो काफी चैलेंजिंग था इस बात के लिए कि 131 स्कूलों में हमने इस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड कराई, और 2014 से लगा के 2018 तक के 9th और 10th के हमारे सारे बालक कंप्लीटली अप्रोक्सीमेटली ये मान के चले 20,000 बालक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें पढ़ते थे, हमारे टीचर उनको ऑनलाइन पढ़ाते थे, और आज भी वह प्रक्रिया हमारे लिए अनवरत रूप से जारी है, और अब तो हमारे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट अप्रोक्सीमेटली 90% कंप्यूटराइज है, और सबसे पहला मेरा ब्लॉक था भवानी मंडी जिसको मैंने पूरा कंप्यूटराइज कराया, और उसके लिए हमारे यहाँ पे एक राजस्थान टेक्सटाइल मिल है उनका, उनको श्रेय देता हूँ कि उन्होंने एक CSR के माध्यम से हेल्प करके और हमारे सारे ICT कंप्यूटर को हेल्प कराई, और उनका सोच यही था कि उन्होंने को जब पता चला, हमारे कलेक्टर साहब थे जितेन कुमार सोनी साहब उनके माध्यम से और CDO साहब के माध्यम से जब हमने रखा बात, तो हमारे यहाँ पे लगभग 18 स्कूल ऐसे थे जो ICT जिनके अंदर नहीं थी, तो सर के माध्यम से मैंने निवेदन किया और हमारा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया, तो इसका हमें बहुत बेनिफिट मिला कि उनको जब लगा कि गवर्नमेंट स्कूल के बालक कंप्यूटर से स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल 25-75 की जो हमारी योजना होती है उसके अंदर 17-17.5 लाख रुपए का हमें डोनेशन दिया, और बाकी गवर्नमेंट से मिला के लगभग हमने सारे स्कूलों को कंप्यूटराइज किया, और उसका बेनिफिट बच्चों को बहुत अच्छे से मिला, रिजल्ट इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारा जो एक तरह से जो एनरोलमेंट था वो बढ़ा। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा आपको, मेरा स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, एक बार वीडियो एक RS थे शायद बिरम जी वर्मा साहब थे नाम था, वो पंचायत में किसी कार्य से आए हुए थे, तो वो जैसे ही हमारे स्कूल का उनको पता चला, एक रैली हमारे बच्चों ने की थी, तो मेरे स्कूल की आपने देखी है कि एक जैसे मेरी टाई है, ये मेरी टाई नहीं है, मेरे स्कूल की टाई है, मेरे स्कूल के बालक टाई ID और स्कूल के अपने बेल्ट में रहते हैं, तो जैसे उन्होंने बालकों को देखा यार स्मार्ट बालक है, मैंने सर स्मार्ट बालक स्मार्ट कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात देखकर कि करावन जैसे स्कूल में बालक कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं तो ये कैसे होता है, मैंने कहा सर आप चलिए देखें, तो लैब खुलवाई, बच्चों को सीधा बिठाया, और बच्चे वैसे मेल ID से उन्होंने रजिस्टर्ड होना, उसको साइन इन होने के बाद क्यूज करना, क्यूज के बाद आंसर आना, उनको बताया उन्होंने सर इस प्रकार से करते, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि करावन जैसे छोटे ग्राम पंचायत के स्कूल में जो बिल्कुल गांव के एक स्मार्ट लड़के हैं जो कंप्यूटर से ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हमारे जिले के लिए, और ये चीज हमारे स्कूल में ही नहीं, मैंने पूरे जिले के 131 स्कूलों में इस चीज को लागू किया और बहुत अच्छा उसका हमें रिजल्ट मिला। बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल दिखने को आ ही रहा है, और मतलब जिस तरीके से आपका टेक्नोलॉजी के साथ लगाव है और आप जिस तरीके से जिज्ञासा रखते हैं, तो मैं आपके स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में भी सोच रहा हूँ कि उनमें किस तरीके की जिज्ञासा होगी फिर टेक्नोलॉजी को लेके। नहीं सर, जब किसी दिन अगर मान लो उनको कंप्यूटर पढ़ने को नहीं मिलता तो वो तत्काल आ जाते सर हमें ना ऑनलाइन कुछ करना है, बाई चांस कभी कोई टीचर नहीं होते इस प्रकार से, कभी कोई छुट्टी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि वो बच्चे जाते हैं ऑटोमेटिक अपने कंप्यूटर पर जाके पढ़ने लग जाते हैं और अपनी क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, या फिर PDF में पुस्तक को पढ़ने लग जाते हैं, और इस प्रकार का रहता है, तो काफी जिज्ञासा है और कंप्यूटर के प्रति उनकी रुचि में काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी हम जानना चाहेंगे कि आपको इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके के चैलेंज खुद को महसूस हुए जब चीजों को सीख रहे थे, और उसमें फिर आपने कैसे सेल्फ मोटिवेट होके इतना सारा काम किया। सर चैलेंज मेरे लिए जो सबसे बड़ा था, आज जो ऐप डेवलपर होते हैं, जब मैंने इसकी स्टडी की ऐप डेवलपिंग की, जिसे हमारे ऐप गुरु हैं जयराम जी,
उनसे जब हमने पहले सीखा तो हमें एक सीधा सा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि मुझे कोडिंग का नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं सिंपल सी बीसीए किया था फॉक्स प्रो के जमाने में। उस समय फॉक्स प्रो और आज विजुअल बेसिक और सी प्लस प्लस वगैरह बहुत सारी कोडिंग एचटीएमएल वगैरह सब है, तो उसके लिए मैंने केवल जो चैलेंज मेरे पास आया उसको मैंने केवल और केवल प्रैक्टिस के हिसाब से दूर किया और समय दिया, और समय के साथ ये सारे चैलेंजेज अपने आप हटते गए। और ऐसा होता है कि कभी जैसे मेरे को मैं एक सीडीओ सीकर में मैंने एक ऐप बनाया था, वहाँ के एक हमारे सर हैं एडिशनल डायरेक्टर हैं सहायक निदेशक हैं राकेश तेतरवाल सर, उन्होंने मुझे जैसे कहा कि नागर साहब यार मेरे को एक ऐप बनाना है और उस ऐप में मुझे ये चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है तो मेरे एक हैबिट है डन हो जाएगा, अब मैंने उनको के लिए सब हो जाएगा, पर अब वो मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे उसको किस ढंग से करना है। उसके लिए फिर मुझे मेहनत करनी थी, और मेहनत करने के बाद जैसे फर्स्ट डे जैसे जिस दिन यदि मैंने कहा हो जाएगा तो चाहे उसके लिए मुझे 10 घंटे जागना पड़े या 12 घंटे जागना पड़े, मुझे करके डन करना है, सुबह इन्फॉर्म करना है कि सर आप ये कीजिए, वो हो गया। और इसी चैलेंजिंग समय के साथ एक तरह से मैंने इस प्रकार की चीजों का समावेश करते हुए चैलेंज को स्वीकार करते हुए चीजों को सीखा और करा है। तो नागर जी फैमिली का क्या रिस्पांस है, आप तो मतलब पूरे दिन और रात लगे रह रहे हैं, उनका क्या कहना है? नहीं नहीं सर, वो सारे मेरे को बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी है जो कोटा में है, वो भी मुझसे काफी उसके लिए मुझे अप्रिसिएट भी करती और बताती भी। एक बेटा है जो डॉक्टर है हॉस्पिटल है, वो भी मुझे इस प्रकार की चीजों के लिए काफी मोटिवेट करता रहता है और कहता है नहीं पापा बहुत अच्छा काम है। और हमारी श्रीमती जी कोई बात ही नहीं, वो उनका सपोर्ट तो हमें रहता ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो किनको धन्यवाद बोलना चाहोगे सर? सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगा सामूहिक रूप से, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी उस कम्युनिटी को जो इसको स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि जो चीज मैंने कोशिश करके सबको देने का प्रयास किया उसमें उस चीज को सबने अंगीकृत किया, ग्रहण किया और उसको सबके फायदे के लिए फैलाने का प्रयास किया। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि मुझे इस फील्ड में राज की नौकरी में होने के बाद जो इस आईसीटी में प्रवेश कराने का जो जिसने जिसको श्रेय जाता है वो हमारे एक साथी है, मेरे सीनियर हैं रामपाल जी गुर्जर, और एक हमारे एडीओ साहब रहा करते थे अंसारी साहब, उनकी पेंशन हो गई। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक मीटिंग रखी थी, उसमें अचानक ही उन्होंने एक मेरे को मैसेज किया कि नागर साहब आपको जयपुर मीटिंग में जाना है। जब मुझे अचानक पता नहीं था, 4 बजे मुझे मैसेज मिलता है, 8 बजे मुझे कोटा से गाड़ी में बैठना होता है, और उस दिन जैसे मैंने कहा कि नहीं सर बिल्कुल जाएंगे, और दूसरे दिन डायरेक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, और उस दिन से एमटी आईसीटी झालावाड़ बनके जो हमने काम किया और वही परिणाम है कि इन सब लोगों की वजह से आज मैं इस जगह तक पहुंचा हूं। अभी भी लग रहा है कि आप कुछ न कुछ करने की कुछ न कुछ सोचने की तगाद में है। बिल्कुल, मैं अभी हमारे मेरे जो सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं माननीय गौड़ साहब जिसकी मैं बात कर रहा था, उनके निर्देशन में मैंने अभी एक वेबसाइट तैयार की है जिसको बहुत जल्दी या कल या परसों में लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम cdoseeker.com है, और ये मिशन 100 उसमें मैंने बहुत अच्छे से और समाहित किया है ताकि हर बहुत इसको अच्छे से कर सके। और इसके अलावा मैंने मेरे जिले के लिए एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हमारे पीओ जो सूचना भेजने के लिए सीबीओ के पास और सीबीओ डीओ के पास और डीओ साहब सीडीओ साहब के पास, तो इस प्रकार की सूचना संप्रेषण का एक क्लिक के माध्यम से हम इसको भेजें, उसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिसको हमने मॉडल के रूप में अभी जैसे सरकार निर्देश है कि मॉडल के रूप में हमने भवानी मंडी ब्लॉक और पाटन ब्लॉक को लिया है, और ये बहुत जल्दी सबके लिए आने वाली है जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरा एक नया इनिशिएटिव वेबसाइट डिजाइनिंग का, और मेरी सबसे पहली वेबसाइट वैसे 2 वेबसाइट एक और धार्मिक रूप से एक मेरी वेबसाइट बनी हुई है, मैंने वो धर्म को समर्पित केदार बाबा केदारनाथ धाम है 2013 की प्रासदी से लेकर एक ट्रस्ट है श्री केदारनाथ ट्रस्ट, उसके उनको भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है सेवा के लिए, और ये भी बहुत जल्दी ही मुझे लॉन्च होने वाली, उसको शायद इंडिया लेवल की कोई मिनिस्टर महोदय ही लॉन्च करेंगे। अभी सर बातचीत को विराम देने की तरफ चलते हैं, उससे पहले कि हम आपसे पूछ लेते हैं कि हम अगले एपिसोड में किसके साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे एक बहुत अच्छे साथी तो नहीं कह सकता क्योंकि हमारे गुरुज हैं,
और अजमेर आरआईई के एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर आनंद आर्या सर। मैं चाहूंगा कि उनका भी मुझे काफी मार्गदर्शन मिलता रहता है जब भी मैं कोई चीज डेवलप करता हूँ, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ उसमें डालता हूँ, तो वो अप्रिशिएट करते हैं और काफी इस चीज को से डिजर्व करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ अगर हमारे सर भी आए तो बहुत अच्छा लगेगा, और सबको, क्योंकि वो बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और उनके पास भी बहुत बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो, क्योंकि वो एनसीईआरटी के आरआई अजमेर से बिलोंग करते हैं और पूरे एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। तो निश्चित रूप से हमारा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें भी हमारे साथ जोड़े। बिल्कुल सर, हम उनसे अगले बार मिल रहे हैं और अभी बातचीत को विराम देते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और टेक्नोशाला फाउंडेशन में डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी मैं ये सारे एपिसोड देखता हूँ, मेरे पास लिंक आते हैं हमारे साथियों के द्वारा, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इंडिया लेवल के साथियों को आप इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके अनुभवों को, उनके द्वारा बनाई हुई चीजों को सब दूर पहुंचाने के प्रयास करते हैं। पुनः आप पूरी टीम को मेरी ओर से और मेरे विभाग की ओर से और हम सब साथियों की ओर से, मेरे शुभचिंतकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में हमने नागर जी से जाना कि कैसे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हम आशा करते हैं नागर जी की कहानी आपके लिए भी इंस्पायरिंग होगी और इसी तरह की और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। आज की चर्चा को विराम देते हैं इसी सवाल के साथ, क्या आप भी क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क करें और बने डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा। नमस्ते, मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे।